हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल बटन पे क्लिक करिए ताकि हमारी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्वीट रेसिपी, जो कि लोग बहुत ही पसंद करते हैं और दिवाली में अक्सर ही इसे बनाई जाती है, लौंग लत्ती या लवंग लता की रेसिपी। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ 1.5 लीटर मिल्क को गाढ़ा करके खोआ बना रहे हैं। मिल्क में अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं डाला है, बस इसे गाढ़ा कर रहे हैं। ड्राई होने तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब 1 केजी मैदा लेंगे और उसे चालेंगे। अगर आप पैकेट वाला मैदा यूज कर रही हैं तो चालना जरूरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप खुला मैदा यूज कर रही हैं तो इसे चालना जरूरी होता है। अब 1 कटोरी घी लेंगे और इसमें डालेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दोनों हाथों से मैदा और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैदे में गांठ न रह जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को मुलायम गूथेंगे। एक ही बार मैदे में पानी नहीं डालना है, नहीं तो मैदा गीला गूथा जाएगा तो फिर लौंग लत्ती बनाने में दिक्कत होगी। अब हम खोआ में कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो उसमें डाल सकती है, नहीं पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर सकती हैं। अब हम 1 चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। अब खोआ में ड्राई फ्रूट्स और इलायची के पाउडर को हम स्पून से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हमने खोआ में शुगर पाउडर नहीं डाला है क्योंकि हमें कम मीठा चाहिए था। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से शुगर पाउडर ऐड कर सकती हैं। अब हम गूथे हुए मैदे को हाथों में लेकर उसे इस तरह से मुलायम करेंगे और पूरी के आकार की इसकी लोई काटेंगे। अब हम लोई को पूरी के आकार का बेलेंगे और बेलने के बाद जो खोआ हम लोगों ने स्टफ्ड के लिए तैयार किया था वो इस पर डालेंगे। पूरी के बीच में खोआ डालकर पूरी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब फिंगर टिप से इसे अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि लौंग लत्ती फ्राई करते टाइम में खुले ना। इस तरह से हम सारे लौंग लत्ती का शेप बना लेंगे। अब लौंग लत्ती के चाशनी को तैयार करेंगे। कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाएंगे और उसमें लगभग 1 केजी चीनी हम डालेंगे। 1.5 केजी मैदा में 1 केजी चीनी लग जाता है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और 1 तार का हम चाशनी बनाएंगे। इसे तेज आंच पे लगातार चलाते रहना है। चाशनी तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरे कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाएंगे और उसमें रिफाइंड या घी डालेंगे लौंग लत्ती को फ्राई करने के लिए। घी या रिफाइंड जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1-1 करके 5-6 लौंग लत्ती को डालेंगे और इसे मीडियम आंच पे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। एक तरफ से होने के बाद हम दूसरी तरफ इसे पलटाएंगे। इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, बस मीडियम आंच पे इसे गोल्डन ब्राउन करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे और 1-1 करके हम चाशनी में डिप करते जाएंगे और दूसरे बर्तन में हम निकालते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाशनी गर्म रहनी चाहिए, तभी लौंग लत्ती चाशनी में अच्छे से डिप हो पाती है। इस तरह से हम सारे लौंग लत्ती को बना लेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी और इस रेसिपी को आप इस दिवाली में घर में बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही आसान सी और डिलीशियस रेसिपी है।